सेक्सुअल मेच्योरिटी होने पर एक फीमेल के ओवरी में लगभग दो लाख इमेच्योर एग्स होते हैं जिन्हें प्राइमरी ओसाइट कहा जाता है एक प्राइमरी ऊसाइट टाइपलॉइड होता है और मायोसिस के प्रोफेज वन में अरेस्ट होता है प्रत्येक प्राइमरी ओसाइट्स के चारों ओर फॉलिकल सेल्स की एक लेयर होती है एक ओसाइट और उसके फॉलिकल सेल्स साथ में एक फॉलिकल्स बनाती है जिसे ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं एक ओवेरियन साइकिल मेंस्ट्रुएशन के पहले दिन से शुरू होकर लगभग 28 दिनों तक चलता है साइकिल के पहले सात दिनों के दौरान छह से बारह प्राइमरी ओसाइट्स मेच्योर होने लगते हैं जैसे ही फॉलिकल्स डेवलप होते हैं फॉलिकल सेल्स ओसाइट के साथ कम्युनिकेट करती है और उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है यह न्यूट्रिएंट्स उन्हें एक पोर्स के माध्यम से पास किया जाता है जिसे गैप जंक्शन कहा जाता है प्रत्येक ऊसाइड्स धीरे धीरे बड़ा होता है और आसपास के फॉलिकल सेल्स हजारों फॉलिकल सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए डिवाइड होती है साइकिल के सातवें दिन तक डेवलपिंग फॉलिकल्स में से एक को छोड़कर सभी डिजेनरेट होने लगते हैं रिमेनिंग फॉलिकल्स कंटिन्यू डिवेलप होता है और इसके सेल्स इसे न्यूट्रंस प्रोवाइड करना जारी रखती है और न्यूट्रंस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन और इन्फॉर्मेशनल मॉलिकल्स को भी सप्लाई करता है जो कि फॉलिकल्स के अर्ली डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है इसके बाद मेच्योरिंग प्राइमरी ओसाइड्स मायोसिस वन को कंप्लीट करता है और दो हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो जाता है इनमें से प्रत्येक सेल्स को हाफ क्रोमोसोम मिलते हैं हालांकि एक सेल जिसे पोलर बॉडी कहा जाता है उसमें बहुत कम साइटोप्लाज्म होती है दूसरा सेल जिसे अब सेकेंडरी ओसाइट्स कहा जाता है यह मायोसिस टू में एंटर करता है और फर्टिलाइजेशन तक वहीं अरेस्ट रहता है साइकिल के फोर्टीन डे पर ओवल होता है और ओवरी से सेकेंडरी ओसाइट्स निकलता है ओविडक्ट यानी कि फेलोफियन ट्यूब में बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक सीलिया होता है जो रिलीज ओसाइट्स को मूवमेंट प्रोवाइड कराता है यह इमेच्योर एग्स ओविडक्ट में स्पर्म सेल्स के साथ मिलता है और फर्टिलाइज होता है और इसी दौरान मायोसिस टू डिवीजन कंप्लीट होता है एग के रिलीज होने के बाद फॉलिकल्स एंडोक्राइन टिश्यू के एक छोटे मास में डेवलप होता है जिसे कॉर्पस लूटियम कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम दो सप्ताह तक ओवरी में रहता है और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को रिलीज करता है ओवेरियन साइकिल के एंड में यदि वुमेन प्रेग्नेंट नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है हर महीने ओवेरियन साइकिल यूटराइन साइकिल से कोऑर्डिनेटेड रहती है यूटेराइन साइकिल में यूटेरस के एंडोम्यूटेरियम पर एक लाइनिंग डेवलप होती है जो बाद में एग्स के इम्प्लान ना होने के कारण स्लफ ऑफ हो जाती है यूटेराइन साइकिल की शुरुआत यूटेराइन वॉल के स्लफिंग के साथ होता है यह मैंस्ट्रल साइकिल का पहला दिन होता है जिसे मेंस्ट्रुएशन भी कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन के बाद यूटेराइन लाइनिंग फिर से डेवलप होने लगती है और एम्ब्रियो के इम्प्लान्टन की तैयारी करती है यूटेराइन साइकिल के ऐसे स्टेप से ओव्यूलेशन तक यूटेरस की लाइनिंग बढ़ती रहती है कैपिलरी बेड इस इंडोमेट्रियम लाइनिंग को न्यूट्रिन सप्लाई करते हैं अगर रिलीज्ड एग फर्टिलाइज नहीं होता तो मेंस्ट्रुएशन होने से ठीक पहले कैपिलरी बेड डिजेनरेट हो जाते हैं और आसपास के एंडोमेटेडियम टिश्यू को न्यूट्रिन प्रोवाइड नहीं कर पाते जिसके कारण यह टिश्यू मर जाता है और वेजाइना के माध्यम से शरीर से बाहर की ओर निकल जाता है ओवेरियन साइकिल को पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है साइकिल की शुरुआत से कुछ दिन पहले एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन एफएसएच और एलएच के सिक्रीशन को बढ़ाना शुरू कर देता है एफएसएच और एलएच ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो होता है वह एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करना शुरू कर देता है साइकिल के इस स्टेप के दौरान एस्ट्रोजन का इंक्रीज लेवल पिट्यूट्री ग्लैंड से फर्दर एफ और एल एच हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है साइकिल के नेक्स्ट वीक के दौरान एफ और एल का लेवल डाउन हो जाता है बारहवें दिन के आसपास एस्ट्रोजन के बढ़ते लेवल का अचानक पिट्यूट्री ग्लैंड पर ऑपोजिट इफेक्ट पड़ता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर नेगेटिव फीडबैक डालने के बजाय ये हार्मोन अब एक पॉजिटिव फीडबैक देते हैं जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड बड़ी मात्रा में एलएच और एफ का सिक्रीशन करने लगता है एल एच का लेवल ओवेरियन साइकिल के फोर्टीन डे पर पीक वैल्यू पर रहता है यह एलएच हॉर्मोन मेच्योर फॉलिकल को फटने और एग को ओवल्यूशन प्रोसेस के थ्रू रिलीज होने के लिए ट्रिगर करती है एलएच हॉर्मोन के इफेक्ट से ओवल्यूशन के बाद रिमेनिंग फॉलिकल सेल्स कॉर्पस ल्यूटियम में डिजनरेट हो जाता है यह कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को रिलीज करता है और ओवरी में कंटिन्यू लास्ट टू वीक तक रहता है साइकिल के इस पॉइंट पर यह हार्मोन फिर से एफएसएच और एलएच के सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं जिसके कारण एफएसएच और एलएच के सिक्रिशन में कमी आ जाती है और फॉलिकल्स को शुरू से डेवलप होने से रोकती है एलएच या एक इम्प्लांटेड एम्ब्रायो द्वारा रिलीज्ड हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम के लाइफ को मेंटेन रखने के लिए आवश्यक है साइकिल के अंत में यदि में इम्प्लांट नहीं होता तो कॉर्पस हो जाता है। ओवेरियन साइकिल के डिफरेंट फेज में ओवरी द्वारा सिक्रेटेड हार्मोन यूटेराइन लाइनिंग में चेंजेस को ट्रिगर करते हैं उदाहरण के लिए साइकिल के शुरुआत में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल यूटेरस के लेयर को बनाए रखने के लिए बहुत कम होता है जिसके कारण मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है साइकिल में लगभग एक सप्ताह बाद डेवलपिंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन का सिक्रेशन बढ़ जाता है जिसके कारण बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है यह हार्मोन यूटेराइन लाइनिंग के सेल्स को बढ़ने के लिए ट्रिगर करता है और यह लाइनिंग थिक हो जाती है ओव्यूलेशन से ठीक पहले शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल अपने पीक पॉइंट पर पहुंच जाता है ओव्युलेशन के बाद ओवरी में फॉलिकल सेल्स कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप होती है जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को रिलीज करती है यह हार्मोन यूटराइन लाइनिंग को थिकनेस प्रोवाइड करता है जिससे एम्ब्रायो इम्प्लांट हो सके साइकिल के अंत में यदि एग्स स्पर्म्स द्वारा फर्टिलाइज नहीं हुआ है या जायॉट इम्प्लांट नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का सिक्रेशन भी बंद हो जाता है इन हार्मोन्स के बिना यूटेरस की लाइनिंग भी टूट जाती है और मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत हो जाती है